さあ。<noise> स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर ट्वेल्व ओ ओ से ओखली ये ओखली अब नेक्स्ट ओ से ओढ़नी ये है ओढ़नी समझ में आया बच्चों ओ से ओढ़नी ओ से ओले यह ओले अब ओ से ओ ये ओम है ओ ये है ओ और ये है इसकी मात्रा व्यंजन में हमेशा ओ की मात्रा इसके पीछे ही लगाई जाती है ये क है क के पीछे ओ की मात्रा लगाई तो इसका उच्चारण हुआ को समझ में आया क्या हुआ इसका उच्चारण इसकी ध्वनि कैसे होती है को फिर खो गो घो चो छो जो, जो टो ठो डो ढो तो थो, दो, 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 नो, तो, थो, दो नो, पो फो बो भो मो, यो, रो लो वो शो, शो, सो हो क्षोत्र ठीक अब शब्द कैसे बनते हैं वो हम सीखेंगे ओ की मात्रा के शब्द देखो बच्चों ये तो ता कैसे हुआ तो मैं सिखाती हूं त तो, प्लस ओ की मात्रा तो हुआ फिर ना यानी त तो प्लस आ की मात्रा तो ता, आया समझ में बच्चों अब नेक्स्ट देखे म प्लस ओ की मात्रा यानी मो र मो र। अब नेक्स्ट ढो ल क ढोलक आया समझ में बच्चों अब आगे भो ज न भोजन मुँह में पानी आ गया ना बच्चा अब आगे देखे बो त -ल, बोतल अब नेक्स्ट गो डा घोड़ा अब नेक्स्ट बोर हुई ये बहुत अच्छा लेसन है बोर यानी कि सुबह बोर हुई कोयल बोल रही है मोर भी बोल रहा है कोठरी में घोड़ा है वह जोर जोर से शोर कर रहा है मोहन और सोहन सो रहे हैं देखो बच्चों ये मोहन और सोहन के घर है और ये लोग दोनों भैया सो रहे हैं और सुबह हुई सुबह होते हुए क्या क्या होता है तो कोयल बोल रही है मोर भी बोल रहे हैं यानी टेहू टेहू आवाज़ कर रही है कोठरी में जो घोड़ा है देखो बच्चों इधर कोठरी में घोड़ा है वो भी जोर जोर से शोर कर रहा है यानी हीन हीन आ रहा है और मोहन और सोहन दोनों भैया अभी तक सो रहे हैं सुबह हुई तो भी उठे नहीं है सोए हुए हैं अब आगे माँ बोली ओ मोहन सोहन अब मत सो उठो भोर हो गई माँ क्या बोल रही है मोहन और सोहन उठो अब तो सुबह हो गई है आप भी सुबह होते आपकी मम्मी उठाती है ना आपको इसी तरह सोहन और मोहन दोनों भैया को मम्मी आवाज़ दे रही है कि अब मत सो अब उठ जाओ सुबह हुई है बच्चों हाथ मुंह धो लो कि उठ कर हाथ मुंह धो लो भोजन कर लो यानी नाश्ता कर लो कुछ खा लो दोनों बच्चों ने हाथ मुंह धोकर भोजन किया अब दोनों बच्चों सोहन और मोहन दोनों बच्चों उठ गए और हाथ मुँह धोकर यानी ब्रश करके भोजन करने बैठ गए और भोजन कर लिया सोहन बोला पापा मुझे दो पार्ट पढ़ा दो मोहन और सोहन का पढ़ने का टाइम हो गया इसमें सोहन क्या बोला कि पापा मुझे दो पाठ पढ़ा दो यानी दो लेसन समझा दो पढ़ा दो पापा बोले पहले दोनों पाठ पढ़ो और सुनाओ पापा ने क्या कहा कि पहले आप लोग पढ़ो फिर क्या पढ़ा वो मुझे सुनाओ कि आपको क्या समझ में आया वो मुझे सुनाओ इसके बाद मैं आपको पाठ पढ़ाऊँगा फिर बोले जो पूछूं बताओ फिर पापा क्या बोले कि मैं जो जो पूछूंगा इसका आंसर आपको देना पड़ेगा सोचो समझो फिर बताओ यानी जो क्वेश्चन मैं करूंगा इसका आंसर सोच कर देना कि आपने ये लेसन पढ़ा इसमें आपको क्या क्या समझ में आया वो मुझे बताना है आया समझ में चलो बोलो दोनों बच्चों ने पार्ट को बोलकर पढ़ा फिर क्या हुआ दोनों बच्चों ने पाठ को बोलकर पढ़ा यानी वो पढ़ने लगे दोनों बच्चों दूध पीओ और स्कूल जाओ पापा ने क्या कहा स्कूल का टाइम हो गया फिर पापा बोले अब पढ़ाई छोड़ दो और बैग तैयार कर दो और अपना काम ये बाद में करेंगे यानी पढ़ने का काम बाद में करेंगे दूध पीकर स्कूल जाओ मैग बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी जैसे को तैसा ये स्टोरी का नाम है ये है सारस और ये है लोमड़ी समझ में आया बच्चों अब आगे हम स्टोरी मैं सुनाती हूँ एक बड़ा सा जंगल था जंगल में एक लोमड़ी रहती थी ये है लोमड़ी का घर और लोमड़ी के पास में ही थोड़े दूर एक साहरस रहता था दोनों के बीच फ्रेंडशिप जैसा व्यवहार था दोनों कभी किसी को परेशान कभी नहीं करते थे पर एक दिन लोमड़ी का क्या विचार आया कि मैं सहारस को थोड़ा परेशान करूं? तब लोमड़ी सारस के घर जाते हैं और सारस को बताते हैं क्या बताया कि आज मेरा जन्मदिन है आपको भी मैं इनवाइट देने आया हूँ यानी आमंत्रण देने के लिए आया हूँ आपको मेरे घर पार्टी में आना है तो सारस तो बहुत खुश हो गया कि चलो मुझे तो पार्टी में जाना है आप भी खुश होते हो ना जब कोई सी, कोई भाई बहन के बर्थडे में जाते हो बर्थडे पार्टी में जाते हो तो कितना खुश हो जाते हो जाते हो ना आप भी अब आगे पार्टी में लोमड़ी ने क्या पकाया सूप बनाया पार्टी में लोमड़ी ने सूप बनाया देखो बच्चों ये सारस लोमड़ी के घर आया अब हमड़ी ने प्लेट में ये सूप रखा चिकन सूप ये सूप रखा सारस को भी बहुत भूख लगी थी पर प्लेट में थोड़ी वो खा सकेगी नहीं खा सकेगी सारस प्लेट में नहीं खा सकेगा क्योंकि सारस की चोच लंबी है तो ये ये सारस कैसे खा रहा है कम्फर्टेबल नहीं हो रहा है सारस को और सारस को पता चल गया कि लोमड़ी ने मेरे साथ गद्दारी की मेरे साथ बदला लिया सारस को पता चल गया कि लोमड़ी ने मेरे साथ चालाकी की और देखो लोमड़ी है ना वो तो फटाफट जीप से चाटने लगा और सारस को दिक्कत होने लगी अब सारस को पता चल गया कि इसने मेरे साथ चालाकी की, की। तब इसने मेरे साथ ख़राब व्यवहार किया तो मैं इसका जवाब इसको दूंगा ही अब सारस वहीं से चल गया और दो दिन के बाद फिर सारस लोमड़ी के घर आता है और कहता है कि लोमड़ी कल मेरा बर्थडे है तो आपको भी मेरे बर्थडे में आना है मैं इनवाइट देने आया हूँ अब लोमड़ी और वो सारस के घर जा रही है जब सारस के घर गए तो सारस ने एक सोराही में सूप रख दिए देखो बच्चों ये है सोराई और सोराई में सूप रखा पर लोमड़ी सोराई में अपनी जीप ही ऐसे रखी लोमड़ी को कंफर्टेबल नहीं हुआ कैसे खा सके वो तो प्लेट हो तो ही खा सकेगा ना? जो लोमड़ी ने बदला लिया था ना तो सारस ने भी इसके बदले का जवाब दिया लोमड़ी को भी सारस की तरह भूखा ही रहना पड़ा और सारस ने अपना अपमान का बदला लिया समझ में आया बच्चों सीखे जो जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है उसको सिखाने के लिए उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए आया समझ में बच्चों यानी कि जैसे को तैसा अच्छी लगे ना स्टोरी अब जोकर जोकर एक्सप्लेन करे आओ 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 मेरे पास आओ खेलो कूदो नाचो खाओ पियो गाओ ये जोकर है आपको भी अच्छा लगता है ना जोकर जब आप सर्कस में जाते हो या कोई ऐसा फंक्शन होते हैं बड़े बड़े तो इसमें भी जोकर होते हैं बच्चे को खिलाते हैं फिर बच्चों को हंसाते हैं है ना आपको भी अच्छे लगते हैं ना जोकर तो जोकर क्या बोल रहा है आओ 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 मेरे पास आओ बच्चे आप भी आओ मेरे पास आओ खेलो कूदो नाचो क्या आप खेलो कूदो और मेरे साथ नाचो खाओ पियो गाओ कि खूब एंजॉय करो खाओ पियो और गाना गाओ इसके आगे सोचो मैं हूँ कौन बोलो मैं हूँ कौन समझो मैं हूँ कौन बताओ मैं हूँ कौन एक पहली हूँ मैं नाम तो बताओ क्या बोल रहा है कि सोचो मैं कौन हूँ बच्चों बोलो तो जोकर क्या बोल रहा है कि सोचो मैं कौन हूँ मुझे पहचानो मैं कौन हूँ फिर बोल रहा है आगे बोलो मैं कौन हूँ बच्चों बोलो मैं कौन हूँ ऐसा झोकर बोल रहा है समझो मैं कौन हूँ मुझे समझो मैं कौन हूँ और बताओ मैं कौन हूँ एक पहली हूँ मैं पहली यानी कि उखाड़ा गुजराती में इसको उखाड़ा बोलते एक पहली हूँ मैं तो मेरा नाम बताओ मैं कौन हूँ फिर आगे बोल रहा है छोटा हूँ मैं मोटा हूँ क्या बोल रहा है मैं छोटा भी हूँ और मोटा यानी कि हुष्ट पुष्ट झाड़ा गुजराती में झाड़ा बोलते हैं ना कि मैं छोटा भी हूँ और मोटा भी हूँ गोला हूँ मटोला हूँ मैं बहुत ही भोला हूँ कि मैं एकदम भोला हूँ मैं कपटबाज नहीं करता हूँ मैं एकदम भोला हूँ जोला हूँ मंजोला हूँ झोला यानी कि मैं एक थैला जैसा हूँ और मंजोला यानी फड़ाकी बो, बो बो बहुत सारी वो डिंगू मारते हैं ना इसको मंजोला बोलते हैं हंसो और हंसाओ जोकर के संग गाओ जोकर क्या बोलते हैं हंसो और हंसाओ कि मैं जो हंसता हूँ तो आप भी हंसो जोकर के संग गाओ कि मेरे साथ आप भी गाओ तो ये लेसन समझ में आ गया बच्चों फिर से आप बारी बारी से वीडियो देखना और पीडीएफ में जो दिया है वो होमवर्क भी करना थैंक यू बच्चों